हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 6 ऑफ सेक्शन नंबर 13। अभी तक हमने मल्टीपल टेक्निक्स पढ़ी हैं प्रोजेक्ट स्केड्यूल और स्केड्यूल बेसलाइन के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, इसे कहते हैं हम स्केड्यूल कंप्रेशन टेक्निक। जनरली जब हम कोई प्रोजेक्ट स्केड्यूल बना के लेके जाते हैं मैनेजमेंट के पास कि जी हम इसको अप्रूव कर दें, तो अगर वो 3 महीने का है तो मैनेजमेंट कहेगा नहीं 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 3 महीने में नहीं, इसको 2 महीने में करें या इसको और कम करें। तो एक तो ये होता है कि हम अपने ट्रस्ट को बिल्ड करें और जो स्केड्यूल बनाएं वो रियलिस्टिक बेसिस पे बनाएं कि जनाब इसमें हमने कोई अनरियलिस्टिक चीज़ें ऐड नहीं की। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास फर्ज करें कोई ऐसी डिमांड आती है या कोई ऐसी डेडलाइन आती है जिसको हमने मीट करना है, तो हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्रेस कर सकते हैं विदाउट यू नो चेंजिंग दी या डिमिनिशिंग दी स्कोप और विदाउट आती है क्रैशिंग और दूसरी कहलाती है फास्ट ट्रैकिंग। अगर मैं क्रैशिंग की बात करूं तो लेट्स सपोज आप इस डायग्राम में देख रहे हैं हमारे पास 5 एक्टिविटीज़ हैं जिनमें से 3 जो हैं वो इस क्रिटिकल पाथ और टोटल ड्यूरेशन हमारे पास 30 डेज बन रही हैं। तो मैंने एक एक्टिविटी की ड्यूरेशन को जो है वो 5 डेज से कर दिया इंस्टेड ऑफ 10। तो अब क्या हुआ कि मैंने उसके जो वर्किंग आवर्स हैं उसको बढ़ा दिया है या रिसोर्सेज को ऐड कर दिया है। तो जब भी मैं अपने टाइम को ट्रेड कर रहा होता हूँ यहाँ पर क्रैशिंग में, तो मुझे कुछ ना कुछ जो है वो कॉस्ट अपनी इंक्रीज करनी पड़ती है। तो क्रैशिंग से क्या होता है कि मेरे ओवरऑल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन में तो इम्पैक्ट पड़ता है लेकिन उससे जो है मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो हम कहते हैं उसे फास्ट ट्रैकिंग, या जैसे हमने पिछले सेशन में बात की थी लीड के हवाले से भी। तो फास्ट ट्रैकिंग में क्या होता है कि हम किसी भी 2 एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करते हैं जो कि सीक्वेंस में हो रही होती है या 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, उनको हम जो है वो पैरेलल करते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि जिन एक्टिविटीज़ को हम पैरेलल में करें उनके दरमियान डिस्क्रिशनल डिपेंडेंसी हो, मैंडेटरी डिपेंडेंसी ना हो कि हम उसको मूव ही ना कर सकें। तो हम किसी भी 2 या 3 या जो भी डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको हम पहले शुरू कर लेते हैं या उनको हम थोड़ा सा पैरेलल कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास ओवरऑल ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन जब हम पैरेलल करते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से हमारे कुछ रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में क्रैशिंग परफॉर्म करता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है, और अगर मैं फास्ट ट्रैकिंग करता हूं तो मेरा जो है वो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन दोनों केसेस में मेरे स्कोप में कोई कमी नहीं आती और ना ही मैं अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। सो आई होप कि इस तरह से आपको जो है अपने मैनेजमेंट को अपना प्रोजेक्ट स्केड्यूल प्रेजेंट करने में और उस प्रोजेक्ट स्केड्यूल को जो है वो स्केड्यूल बेस्ड टाइम बनाने में जो है वो हेल्प मिलेगी।